तो हमारा ना बहुत टाइम से प्लान बन रहा था कि जब मैं रानी के काम होगा तो उससे मिलूंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखा चिते मंदिर में कितनी सारी घंटियां लगी हुई है, वैसे ही आपके घोड़ाखाल मंदिर के अंदर हजारों लाखों घंटियां लोग चढ़ाते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा उतनी बड़ी घंटी आप यहाँ चढ़ा सकते हैं। यहाँ देखो फिर कितनी सारी घंटियां, देखोगे चारों तरफ घंटियां ही घंटियां हैं। इतनी घंटियां ना आपको चिते मंदिर में भी नहीं दिखेंगी जितनी घोड़ाखाल मंदिर के अंदर लगी हुई दिखेंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मेरी ट्रिप का है चौथा दिन और सुबह के बज रहे लगभग लगभग 7 बज गए हैं और आज फाइनली मुझे अपने घर वापस जाना है। तो 3 दिन का मेरा मतलब 4 दिन का मेरा ट्रिप था जिसमें से 3 दिन तो हमने निकाल दिए हैं अच्छी तरह से और 2 दिन हमारा अमित भाई के साथ था। तो अमित भाई कैसे हो? गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। और जय श्री राम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जी की एक रील आ गई है इंस्टाग्राम पे, जाके चेक करो, जय श्री राम वाली। तो उसको बहुत सारा प्यार दिखाओ। और ऐसा है कि अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और अभी सबसे मेन काम डाटा कॉपी। ट्रिप कैसा लगा साथ करके ये बताओ? ट्रिप आया मजा भाई, यादगार ट्रिप था हमारा। और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, रील्स वगैरह आने बाकी है, ड्रोन शॉट आने बाकी है, तो वो तो आपको इंस्टाग्राम में जाके मिल ही जाएगा। और आगे भी बहुत सारी अभी राइड होने वाली, बहुत सारी राइड साथ में होने वाली है, तो दोनों को सपोर्ट करो। तो ये ट्रिप ना मेरे लिए बहुत बहुत मतलब कीमती ट्रिप था क्योंकि ये ट्रिप हमारा उत्तराखंड से, मैं चाहता था ना उत्तराखंड के कुछ लोकेशन को अपने वीडियो के अंदर अच्छे से दिखाऊं, तो इसलिए मैंने ये ट्रिप किया था जिसमें से जो नीति वाला पोर्शन था, नीति वाला विलेज ऐसी विलेज है, वो लाइन इतनी खूबसूरत जगह है ना, लोग सोचते हैं कि लद्दाख और हिमाचल के अंदर ही इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर इतने सारे लोकेशंस हैं जिसको लोगों ने विजिट भी नहीं करा है और अनएक्सप्लोर्ड है। नीति आज के डेट में अब लोग जाने लग गए हैं, लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत कम एक्सप्लोर्ड है। तो हम चाह रहे थे कि उसको कवर करें अपने वीडियो के अंदर। और दिखाना चाहोगे? एक छोटा सा आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे कैसे। चेक करो, यह है हमारा एक गमसाली गांव, तो उसके पास का लोकेशन है। तो खूबसूरत जगह है, वो सब आपको लद्दाख वाला जो पोर्शन बता रहा हूँ ना उसके लिए वेट करिए। आपने शायद कल देख लिया होगा, वैसे नहीं देखा ना तो जाके चेक करो। फिलहाल अभी ऐसा है, मैं रेडी होता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ सीधे बाइक में। फाइनली अमित भाई रेडी हो गए हैं जाने के लिए, मतलब जाना मुझे था लेकिन पहले ही जा रहे हैं, वो कुछ काम पड़ गया, इनका कोई काम आ गया था इमरजेंसी वाला, तो ये निकल रहे हैं। मैं भी रेडी हो गया, बस मुझे गियर अप होना है, फिर उसके बाद मैं भी निकल रहा हूँ अपने हल्द्वानी के लिए। तो हैप्पी जर्नी, थैंक यू, जाना और मैसेज कर देना, फिर मिलेंगे नए ट्रिप में, बन रहा है जल्दी में बन जाएगा, तो उसके बाद फिर साथ में एक और ट्रिप करेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए तो दोनों का ठीक है। तो मैं निकल गया था अमित भाई के घर से और वीडियो बनाई, तो पता नहीं गोप्रो के साथ दिक्कत भी होती है, वहाँ पे ग्लिच करने लग गया फिर से, थोड़ा ठीक चल रहा था उसके बाद फिर ख़राब हो गया। तो अभी फिर दोबारा मैंने चेक करा तो वीडियो वहाँ की बनी नहीं है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपना हल्द्वानी के लिए। आज मौसम साफ है, सुबह तो बिल्कुल मौसम हो गया था कि बारिश वगैरह होती है, लेकिन अब मौसम साफ हो गया। तो ये देखो अभी अपने आप ही कुछ ना कुछ में करने लग गया। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से और मोटो व्लॉगिंग तो लग नहीं रहा मुझे आज भी हो पाएगी, तो नेक्स्ट जो भी लोकेशन होगा वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ बातचीत होगी। तो मैं पहुँच गया अभी कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से पहले ना एक लोकेशन आती है ये पुल वाला जो आप देख रहे हो। ये पुल मेन रोड पर नहीं पड़ती है, मेन रोड से थोड़ा सा नीचे आके पड़ता है, रास्ते में दिखता जितने बार आता हूँ ना तो इसको देखता हूँ, सोचता कई बार यहाँ आने का, तो इस बार मौका मिला था, सुबह सुबह जल्दी आ गया था तो मैं यहाँ भी रुका हूँ। और यहाँ से ना अभी एक ड्रोन शॉट ले रहा हूँ, तो बहुत प्यारा ड्रोन शॉट, इसको मैं कैप्चर करता हूँ अभी अपने इस वीडियो के अंदर। ड्रोन शॉट तो ले लिया था, बीच में मेमोरी फुल हो गया, मेरा कार्ड भी शायद है नहीं मेरे पास, तो इसे कर से अभी यहाँ से चलते हैं। छोटा सा ड्रोन शॉट था, होप से अच्छा लगा होगा। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधे अपने आगे रानीखेत वाले हाईवे पे। तो मैं पहुँच गया अभी रानीखेत, और रानीखेत पर मैं लोकेशन में मिलते, मेरे पीछे मेरी फ्रेंड ज्योति। तो हमारा ना बहुत टाइम से प्लान बन रहा था कि जब मैं रानीखेत आऊँगा तो उससे मिलूँगा करके, तो आज सडनली हम लोग मिल गए, पता नहीं कैसे। मैंने इसको बोला कि मैं आ रहा हूँ रानीखेत होते हुए जाऊँगा, तो मैंने बोला कि मिलके जाएंगे इस बार। तो एक लोकेशन थी 7 स्टोन, वहाँ हम गए थे, थोड़ा अंदर था, मतलब मेन लोकेशन से थोड़ा अंदर थी। उसके बाद हम वहाँ गए, हमने ड्रोन शॉट लिया क्योंकि रास्ते में हमने कहीं ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं था, तो ड्रोन शॉट ले लिए। जाके चेक करो कैसा लगा, और क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।
जल्दी से कर देना भाई। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वापस हल्द्वानी के लिए, ये जाएगी रानीखेत को, अपने घर को, क्योंकि ये रानीखेत में ऑब्वियसली रहती है, और मैं जाऊंगा हल्द्वानी के लिए। फाइनली मैं पहुंच गया अपने एक स्टेशन में जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ, वो है अपना कैचीधाम। क्योंकि जब भी मैं कोई ट्रिप स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा यहाँ दर्शन करके जाता हूँ, तो यहाँ अभी रुकते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर वापस हल्द्वानी को निकलते हैं। तो भैया आज तो भीड़ कम है और दिन के मुकाबले, तो दर्शन करते हैं जल्दी से, क्योंकि और दिन क्या होता है ना, भीड़ बहुत होती है, आज और दिन के मुकाबले भीड़ कम है। देखो तो भैया बहुत कम चांस होता है कि अब कैचीधाम में भीड़ कम मिलती है, बहुत कम चांसेस होते हैं। फिलहाल ये रहा अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो मंदिर के बाहर ही मोबाइल रखे। तो भैया फाइनली दर्शन हो गए हैं और यात्रा भी मेरे बहुत अच्छे से चली गई है बाबा के आशीर्वाद से। अब यहाँ से सीधे घर को जाता हूँ और घर जाने के बाद फिर उस ब्लॉग को एंड कर दूँगा। तो भैया मैं अभी भवाली में था और भवाली से मैं जा रहा था घोड़ाघाट मंदिर, और मुझे बोर्ड में ना नंदा देवी माँ की जो टोली है वो जाते हुए दिख रही है। बहुत अच्छी बात है कि मुझे दर्शन भी होगा टोली के। लास्ट ईयर मैंने नैनीताल की टोली अंदर गई थी, इस बार मुझे यहीं से भवाली वाली टोली अंदर जाने मिल रही है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपना घोड़ाघाट मंदिर की तरफ। तो भैया आज ना मंदिरों के दर्शन ही हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं निकला था नीमगढ़ी बाबा जी के आश्रम से, उसके बाद मैं पहुंच गया यहाँ गोलजू देवता के मंदिर घोड़ाखाल मंदिर, और फिलहाल अभी यहाँ दर्शन करता हूँ, उसके बाद फिर निकलूँगा। भाई मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, ये पूरा मौसम ना कहीं भी मुझे नीति वैली में भी नहीं मिला, गोपेश्वर में भी नहीं मिला। यहाँ का भाई बहौली का ना मतलब मौसम ही बहुत अलग है, हमेशा यहाँ अलग ही मौसम मिलेगा, बादल लगे हुए मिलेंगे और अलग ही माहौल रहता है, वाइब्स बहुत अच्छी रहती है यहाँ की। इसलिए भवाली को ना कहते हैं कि नैनीताल से ज़्यादा ठंडा इलाका भी इसे कहा जाता है, जो मतलब मान लीजिए आपकी नैनीताल में अगर ठंडा हो रहा होगा ना तो उससे कहीं ज़्यादा भवाली के अंदर हो रहा होगा। मेरे पीछे देखो यार क्या मौसम हो रहा है। फिलहाल अभी मैं अंदर जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने, हमारे गोलजू देवता के तो वैसे हर कुमाऊँ में आपको मंदिर मिलेंगे, हर एक गाँव में हर एक घर में गोलजू देवता रहते हैं, क्योंकि वो उनको हमारे कुमाऊँ के देवता कहा जाता है। लेकिन जो मेन तीन मंदिर है उनमें से घोड़ाखाल मंदिर, चितई मंदिर और एक आपका चंपावत वाला मंदिर, ये तीन मुख्य मंदिर माने जाते हैं हमारे गोलजू देवता के। फिलहाल मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, दर्शन करता हूँ मंदिर में, गोलजू देवता का आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद फिर अपने घर को निकलूँगा। तो यहाँ से है रास्ता मंदिर का। सात आठ साल बाद मौका मिल रहा है गोलजू मंदिर आने का घोड़ाखाल वाले। वैसे तो मैं हर साल चितय मंदिर जाता हूँ, लेकिन घोड़ाखाल वाले मंदिर का ये मेरा दूसरी बार है। तो भाई चलो अंदर जाते हैं और दर्शन वगैरह करके फिर नीचे उतरते हैं। जैसे आपने चितई मंदिर में देखा, चितई मंदिर में कितनी सारी घंटियाँ लगी हुई है, वैसे ही आपके घोड़ाखाल मंदिर के अंदर हजारों लाखों घंटियाँ लोग चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना, अगर आपके कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई अर्जी आप लगाने जाते हो तो आप गोलजू देवता को अपनी अर्जी लगा सकते हो, और वो अर्जी पूरी होने के बाद आप यहाँ आके एक घंटी चढ़ा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, तो छोटी भी चढ़ा सकते हो, बड़ी भी चढ़ा सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा उतनी बड़ी घंटी आप यहाँ चढ़ा सकते हो। ये आपके सारे जितने भी बड़े गोलजू देवता के मंदिर होते हैं उनमें घंटियाँ ही चढ़ती हैं अपनी कोई मनोकामना पूरी होने के बाद। तो यहाँ देखो भाई कितनी सारी घंटियाँ, देखोगे चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ हैं, इतनी घंटियाँ ना आपको चितय मंदिर में भी नहीं दिखेंगी जितनी घोड़ाखाल मंदिर के अंदर लगी हुई दिखेंगी। फिलहाल मैंने यहाँ दर्शन कर लिए हैं, अब मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ और उसके बाद जाता हूँ अपने रास्ते हल्द्वानी को, और उसके बाद इस ब्लॉग को वहीं घर पर जाके एंड कर देंगे। तो बाबा जी के आशीर्वाद से गुरु देवता के आशीर्वाद से घर को निकलते हैं और इस ब्लॉग को घर तक चलाते हैं। जय गुरु देवता, जय भोलेनाथ। तो भाई जैसे मैं भीमताल से नीचे उतरा, देखो क्या हालत हो गई रोड की, इतनी तेज बारिश हो रही है, बाप रे भाई। जैसे तैसे अब नीचे उतरना है, क्योंकि रास्ते में हूँ, बीच रास्ते फंस गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से नीचे उतरता हूँ घर के तरफ।
भाई बहुत ही बुरा हाल है, पूरे रास्ते में इतना खतरनाक बारिश हो रखी है ना, और पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं रास्ते में, मलबा ही मलबा आ रहे हैं भाई, कितना खतरनाक हो रहा है। ओ भाई देखो कितना बड़ा मलबा आ गया रास्ते में, देख रहे हो ये पूरा नाला भर रहा है, अभी मैं जल्दी से पार कर लेता हूँ। तो भैया फाइनली घर पहुँच गया हूँ, और भाई इतनी तेज़ बारिश थी ना, इतनी तेज़ बारिश थी पूरे रास्ते भर, भीमताल से लेके अमृतपुर यानी काठगोदाम तक पूरी बारिश बारिश थी। देख रहे हो ना कितना पूरा भीग गया मैं, अंदर जूते के अंदर पूरा पानी घुस गया है, और मैं भी अच्छे से पूरा भीग गया हूँ। फिलहाल घर पहुँच गया हूँ, और अभी कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, कपड़े बदल। तो फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं घर, अंदर पहुंच गया हूं, अभी कपड़े वगैरह बदलता हूं क्योंकि बहुत बुरा हाल है यार, पूरे अंदर तक भीग गया हूं, देख रहे हो कलर कैसे बदल गया इसका। तो घर तो घर ही होता है, घर के अंदर आओ तो अपनापन फील हो जाता है, तो ऐसा है मन लग रहा है घर में, बहुत सारी बातें करी मम्मी पापा से, और घर के कामों से भी रिलेटेड बातें करी, और घूमने वाली बातें भी करी। फिलहाल अभी वीडियो एडिट करने का टाइम हो गया, तो अभी वीडियो एडिट करते हैं, थक भी बहुत गया हूँ, नींद सी भी आ रही है, तो देखते भी वीडियो एडिट करने का 1-2 बजे तक सो जाऊँगा, और सब कल सुबह उठ के अपने जो मकान वाला काम जो छोड़ के गया था वो काम कल से चालू करवाऊँगा। तो अगर आपने मेरी ये व्लॉग पूरा यहाँ तक देख लिया और ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।